अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अदनान खान, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मूवीज़ वॉक। स्मार्ट मूवीज़ वॉक की तरफ से आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि घर पर रहकर ईद सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रखिए। तो गाइज, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी, सलमान भाई स्टारर योर मोस्ट वांटेड भाई राधे, जो कि जी फ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, जिसको देखने के लिए आपको 249 रुपीज़ पे करने होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सलमान भाई हर साल अपने फैंस के लिए ईद पर तोहफा लेके आते हैं और अपने फैंस के लिए ईदी का इंतज़ाम करते हैं। तो इस साल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सलमान भाई के फैंस को ये ईदी लेनी चाहिए या ये ईदी उठा के उनके मुँह पर मार देनी चाहिए। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या ख़ास सलमान भाई ने आपके लिए बनाया है, जिसकी वजह से आपको अपने 249 रुपये खर्च करने चाहिए और अपना कीमती टाइम इस मूवी को देना भी चाहिए या नहीं। तो गाइज, कहानी कुछ इस तरह है कि मुंबई में ड्रग डीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारी यूथ जनरेशन बर्बाद हो रही है। तो गाइज़, यहाँ पर मुंबई पुलिस की प्रॉब्लम यह है कि ये ड्रग्स कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, यही सब पता करने के लिए मुंबई पुलिस वापस बुलाती है मोस्ट वांटेड भाई सलमान भाई को। तो गाइज, आपको सिर्फ यही देखना है इस मूवी में कि सलमान भाई उस ड्रग डीलर को पकड़ पाते हैं या नहीं, उसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो गाइज, कहानी में ज़रा भी दम नहीं है, वही घिसी पिटी कहानी आपके सामने लाकर रख दी गई है, जो कि आप पहले भी बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं। अगर बात करी जाए सभी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर सबसे पहले रणदीप हुड्डा और उनके दो पंडर का नाम निकल के सामने आएगा। दिशा पटानी को यहाँ पर सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा गया है और जैकी शराफ का कैरेक्टर को यहाँ पर पूरी तरीके से वेस्ट किया गया है। अब बात करते हैं इस फिल्म के लीड कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की, सलमान भाई की। तो सलमान भाई का कैरेक्टर जिस तरह से वांटेड में था, उसका यहाँ पर 10% भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी सलमान भाई ने अपनी पूरी कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन की। तो इस फिल्म का डायरेक्शन प्रभु देवा जी ने किया है और प्रभु देवा जी ने यहाँ इस बार साबित कर दिया है कि भले ही डांस और डायरेक्शन का अल्फाबेट डी होता है, लेकिन दोनों में ज़मीन और आसमान का फर्क होता है। प्रभु देवा जी, मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि जनता वैसे ही परेशान है और आप ऐसी फिल्में दिखा दिखा कर दिमाग में चोटें क्यों मार रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक्शन की। तो सलमान भाई ने यहाँ पर साउथ की मूवी को भी मात दे दी है, सिर्फ पैर से भंवर बनाना ही बाकी रह गया था। एक्शन इतना ज़्यादा फेक लगता है कि आपको खुशी होगी कि ये फिल्म अच्छा हुआ हॉल पर रिलीज नहीं हुई। बात कर लेते हैं फिल्म के सॉन्ग्स की। तो फिल्म में केवल 4 सॉन्ग हैं, जो कि कोई ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन एक सॉन्ग फिल्म का बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, जो कि साउथ की फिल्म डीजे से अडॉप्ट किया गया है। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि सलमान भाई ने गाना भी चूज़ किया तो ये। सलमान भाई कम से कम अपनी कमर का ख्याल तो किया होता। क्या आप इस उम्र में अल्लू अर्जुन की तरह कमर लहरा पाएंगे? फाइनली, मेरे अकॉर्डिंग ये एक थर्ड क्लास मास ऑडियंस फिल्म है, जिसको देखकर आप और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप इस फिल्म से दूर रहें। अगर आप सलमान भाई के फैन हैं और आपको चुल कुछ ज़्यादा ही मच रही है, तो भाई देखिए, कौन रोक सकता है। तो मेरी रेटिंग रहेगी सलमान भाई की इस मोस्ट अवेटेड मूवी के लिए 1.5 स्टार आउट ऑफ 5। तो गाइज, अगर आपको मेरा रिव्यू ज़रा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे होगा ये कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज़ वॉक चैनल, मैं हूँ अदनान खान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।